तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे बेसिकली, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि एक इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन है, कर्नो इंजन, जिसका कोल्ड रिजर्वर, कोल्ड मतलब वो होता है जो लेस टेम्परेचर पे है, सिंक जिसको हम बोलते थे, और सोर्स या हॉट वो होता है जो हाइयर टेम्परेचर पे होता है, जिसमें हीट का सोर्स होता है, ठीक है। यहाँ से हीट ऐसे आती है, क्यू हीट आई थी, तो कुछ पार्ट जो है इसका वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका क्यू डैश इधर चला जाएगा। बात आ रहा समझ में? तो अगर आपको यहाँ से Q1 हीट आया था, तो Q2, तो मान लो ये सिंक जो ये होता है, जो बेकार हीट होती है वो इसमें आती है लोअर पार्ट में, और जो वर्क डन है। तो अगर मैं इंजन बना रहा हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि T2 क्या हो, मिनिमम हो। मैं इंजन बनाऊँगा तो मैं तो ये चाहूँगा ना कि 10 जूल यहाँ से हीट आया है और 10 जूल वर्क में कन्वर्ट हो गया हो। वेरी गुड, आइडियल इंजन। समझ में आया? मैं थोड़ी चाहूँगा कि 10 जूल इधर से हीट आया और 10 जूल इधर चला गया, तो इधर कोई वर्क ही नहीं हुआ, वो तो बेकार इंजन है यार। तो मैं T2 को मिनिमम रखूँगा। समझ में आ रहा? फिजिकली तो T2 मिनिमम कितना हो सकता है? तो T2 जो कोल्ड का रिजर्वर, -273 केल्विन हो सकता है, या 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ये लोएस्ट टेम्परेचर है, इससे तो मिनिमम होगा ही नहीं यार, ठीक है। तो जब T2 मिनिमम होगा, उस वक्त इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। ये तो मैं आपको मज़े से समझा दिया, फील आया, पर आपको फार्मूला से भी समझा देता हूँ। तो ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। तो T2 की जो वैल्यू है वो मिनिमम जब होगी, T2 की वैल्यू मिनिमम होगी, और T2 मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये इफिशियंसी 1% है, मतलब 100% इफिशियंसी आ जाएगी, जो कि मैक्सिमम थ्योरेटिकल इफिशियंसी आप तक करनो इंजन, कोई भी इंजन इससे अधिक इफिशियंसी नहीं रख सकता यार, ठीक है। आप मतलब पढ़े हो गए चीज़। दूसरा, इफिशियंसी आप करनो इंजन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वर। ऑब्वियसली इसका पहले से कितना टेम्परेचर पे है, इस बात पे भी इधर हीट फ्लो डिपेंड करती है, और ऑल्सो डिपेंड अवर T1 T2 पर डिपेंड करता है इफिशियंसी ईटा। तो फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है, और फर्स्ट इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड ट्रू एंड ए इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।